मायपुरी न्यूज़ इन में आपका स्वागत है। मैं हूँ छाया। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। शादी करने जा रहे हैं अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा। मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर के रिश्ते को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी तक दोनों सितारों ने अपने रिलेशनशिप पर पब्लिकली कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन दोनों की रोमांटिक ट्यूनिंग कई मौकों पर साफ नजर आई। अब खबरें हैं कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने यानी अप्रैल में मलाइका और अर्जुन कपूर एक दूसरे से शादी करेंगे। शादी क्रिश्चियन परंपरा से चर्च में होगी। सेरेमनी को प्राइवेट रखा जाएगा। वेडिंग में फैमिली और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। मलाइका अरोड़ा ने अर्जुन कपूर संग अपने रिलेशन पर हमेशा चुप्पी बनाए रखी है, लेकिन पहली बार करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में मलाइका ने एक सवाल के जवाब में कहा, मुझे अर्जुन हर तरह से पसंद हैं। मलाइका संग अर्जुन के रिलेशन को उनके बेटे अरहान ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। बीते दिनों मलाइका के बेटे अरहान को दोनों स्टार्स के साथ लंच डेट पर देखा गया था। पूरी हुई सारा अली के विश, इम्तियाज की फिल्म में कार्तिक संग करेंगी रोमांस। करीना कपूर खान ने भी एक इंटरव्यू में सारा अली खान और कार्तिक आर्यन को लेकर कहा था कि दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि कार्तिक और सारा एक साथ किसी फिल्म में काम करें। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा की विश और करीना कपूर खान की कही हुई ये बात बहुत जल्दी सच होने वाली है। बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री के शानदार निर्देशकों में से एक इम्तियाज अली की अगली फिल्म की तैयारी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इम्तियाज ने अपनी इस अपकमिंग मूवी के लिए सारा को उनकी फिल्म केदारनाथ की सफलता के बाद ही चुन लिया था। इसके बाद फिल्म सिम्बा की जबरदस्त सक्सेस से सारा के नाम पर मुहर लग गई थी। वहीं बतौर एक्टर कार्तिक आर्यन को मिल रही सफलता से और बेहतरीन एक्टिंग के चलते वो इम्तियाज की पसंद बन गए। अब इम्तियाज की इस रोमांटिक फिल्म में सारा अली खान और कार्तिक आर्यन दोनों ही लीड रोल में नजर आएंगे। इम्तियाज की इस फिल्म की शूटिंग जल्दी ही शुरू होने वाली है। लोकेशन के बारे में कहा जा रहा है कि इस रोमांटिक फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पंजाब और दिल्ली में होगी। साथ ही सारा और कार्तिक के अलावा फिल्म में एक्टर रणदीप हुड्डा भी नजर आएंगे। द स्काई इज पिंक से बॉलीवुड में कमबैक पर बोली प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड, एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा दोनों ही जगहों पर हिट मानी जाती हैं। बीते कुछ समय से वो हॉलीवुड में ज्यादा सक्रिय हैं। हाल ही में उनकी एक फिल्म इजंट इट रोमांटिक रिलीज हुई है। इसे ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने ही खूब सराहा। प्रियंका चोपड़ा सोनाली बोस की फिल्म द स्काई इज पिंक से बॉलीवुड में कमबैक कर रही हैं। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा है जो कि मोटिवेशनल स्पीकर आयशा चौधरी की लाइफ पर बेस्ड है। इसे लेकर हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रियंका ने हिंदी फिल्मों के प्रति अपने लगाव को भी शेयर किया। प्रियंका ने कहा, मेरा हिंदी फिल्मों के प्रति गहरा लगाव है। मैंने हॉलीवुड फिल्में करने के दौरान इसे काफी मिस किया। उन्होंने कहा, मेरे लिए दोनों ही देशों में मेरे करियर से मुझे बेहद प्यार है और जब तक लोग मुझे देखना पसंद करेंगे मैं फिल्में करती रहूंगी। फिल्म तख्त को लेकर करीना कपूर ने किया अपने रोल का खुलासा। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर आने वाली फिल्म तख्त में बेगम जहां आरा का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। करण जौहर के साथ करीना काफी लंबे समय के बाद काम कर रही हैं। करीना ने करण की फिल्म कभी खुशी कभी गम में काम किया था। इस फिल्म में करीना ने पू का किरदार निभाया था और उनके इस रोल को जबरदस्त तारीफें मिली थी। ये किरदार आज भी लोगों के जहन में छाया है। करीना को पूरी उम्मीद है कि फिल्म तख्त में निभाए जाने वाले उनके किरदार को देखकर लोग पू को भूल जाएंगे। करीना ने फिल्म तख्त में निभाए जाने वाले अपने किरदार पर बात की। उन्होंने कहा कि एक जबरदस्त पीरियड ड्रामा फिल्म है, इसमें वो एक अलग तरह के किरदार में नजर आएंगी। करीना ने बताया कि वो तख्त में बादशाह बेगम यानी कि शाहजहां की बेटी जहां आरा के किरदार में नजर आएंगी। उन्होंने कहा कि फिल्म को लेकर और करण के साथ काम करने को लेकर वो काफी एक्साइटेड हैं। बदला में औकात रैप करते दिखे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू स्टारर फिल्म बदला का एक और गाना औकात रिलीज हो गया है। इससे पहले अरमान मलिक का गाना क्यों रब्बा ऑडियंस को काफी पसंद आया था। औकात गाने में अमिताभ बच्चन का रैपर स्टाइल हर किसी को पसंद आया। गाने को खुद अमिताभ बच्चन ने गाया है। अमिताभ का साथ दिया है क्लिंटन सिजेरो और अमित मिश्रा ने, तो गाने को कंपोज और प्रोड्यूस भी क्लिंटन सिजेरो ने किया है। इस गाने में अमिताभ बच्चन एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। बता दें कि 8 मार्च को इंटरनेशनल महिला दिवस के अवसर पर फिल्म रिलीज हो रही है। अमिताभ इस ट्रैक से इतने प्रभावित हो गए थे कि वो तुरंत इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। वो इस वीडियो में अनदेखे अवतार में नजर आएंगे। बदला में वो वकील की भूमिका में हैं। इससे पहले अमिताभ और तापसी वर्ष 2016 में आई फिल्म पिंक में साथ नजर आए थे। इस फिल्म में भी अमिताभ एक वकील की भूमिका में नजर आए थे। ये फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। हेरा फेरी 3 के लिए तैयार हुए इंद्र कुमार।
फिल्म हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी ऐसी फिल्में हैं जिनके डायलॉग आज भी सोशल मीडिया पर छाए हैं। अगर आप भी बाबू भाई के गुस्से, शाम के भोलेपन और राजू के शातिर दिमाग के दीवाने हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। फिल्म के डायरेक्टर इंद्र कुमार ने हेरा फेरी 3 में आपके लिए काफी बेहतरीन सरप्राइज का इंतजाम किया हुआ है। जी हाँ, टोटल धमाल की सफलता के बाद अब इंद्र कुमार अपनी अगली फिल्म हेरा फेरी 3 के लिए प्लानिंग शुरू कर चुके हैं। परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जोरदार तिकड़ी एक बार फिर से अपनी शरारतों के साथ आपको लोटपोट करने के लिए तैयार है। लेकिन अब ये फिल्म बहुत जल्द ही फ्लोर पर आने वाली है। कॉमेडी फिल्मों के बादशाह कहलाने वाले इंद्र कुमार इस मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट को इस साल के अंत में शुरू करने की प्लानिंग कर चुके हैं। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने बताया कि वो हेरा फेरी 3 को बहुत बड़े स्तर पर बनाएंगे। विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी पर बोले रणवीर सिंह। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वतन वापस लौट आए हैं और पूरे देश ने खुली बाहों से उनका स्वागत किया है। आम और खास सभी उनकी सकुशल वतन वापसी का जश्न मना रहे हैं और इसी क्रम में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने लिखा, वेलकम होम अभिनंदन, आपकी वीरता सराखों पर, आप पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। रणवीर सिंह ने अभिनंदन का सिर्फ स्वागत ही नहीं किया बल्कि आगे आगाह रहने का भी संदेश दिया है। रणवीर ने कहा कि हम आज खुश हैं लेकिन मैं सबसे काफी परेशान हूँ। जो बीते दिनों हुआ, समझ नहीं आता कि आम आदमी होने के नाते हम क्या कर सकते हैं। ऐसे हालातों में हम सिर्फ घर बैठकर देश के हालातों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आज बहुत खुशी का दिन है लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो बीते दिनों हुआ था। मेरा सिनेमा में लुका छुपी प्रमोट करने पहुंचे कार्तिक और कीर्ति सेनन। गुड़गांव के मिराज सिनेमा में अपनी फिल्म लुका छुपी को प्रमोट करने पहुंचे कार्तिक आर्यन और कृति सेनन, जहां दोनों ने अपने फैंस के साथ फोटो भी क्लिक करवाए। आपको बता दें कि फिल्म लुका छुपी को पहले दिन काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। फिल्म लिव इन रिलेशनशिप पर आधारित है। कॉमेडी का फुल डोज है लुका छुपी, लोगों ने बताया परफेक्ट एंटरटेनर। फिल्म लुका छुपी में कॉमेडी का भरपूर डोज है। एक यूजर ने लिखा, फिल्म रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, बेहतरीन म्यूजिक का सॉलिड कॉम्बिनेशन है। कार्तिक पूरे फॉर्म में है, वहीं कृति हमेशा की तरह शानदार दिखी। मूवी के गाने पहले से चार्ट बस्टर पर ट्रेंड कर रहे हैं। हालांकि लुका छुपी में ज्यादातर पुराने हिट गानों को नए वर्जन में पेश किया गया है। रोमांटिक कॉमेडी में सुपरहिट म्यूजिक ने चार चांद लगा दिए हैं। लोगों ने सभी कलाकारों के काम की तारीफ की है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि फिल्म पहले दिन 6 से 8 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। बॉक्स ऑफिस पर लुका छुपी की सोन चिड़िया से भिड़ंत है। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।